TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। पंजाब से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी, काबिलियत बहुत है। और एक अच्छी गेंद, सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं और मैदान के अंदर बल्लेबाजों के लिए रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। ऑनसेट की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आई, किशन देवेंद्र ने गेंद को उठाया लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास पड़ी। शिवाजी महाराज स्टेडियम पर चल रहा है ग्रैंड फिनाले। और एक अच्छी गेंद, ब्रॉकर में गेंदबाजी करते हुए ऑन स्टार की तरफ गेंद आई है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं है। दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा समय लेते हुए, रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों की तरफ से। अब आगे खेलते हुए एक बार फिर मिस्टेक शो किया, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे आ रहे हैं, ले लिया कैच, शानदार कैच, बाउंड्री लाइन पर लिया गया है। प्रदीप पाटिल जो बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, अब जाकर इस ओवर में वरुण कुमार ने अपने टीम के लिए ब्रेक तो दिलाया है। शारिक 11 भोपाल के 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। ये ग्रैंड, ये देखिए गेंद ऑफ टफ के बाहर गेंद थी, ज्यादा बैकफुट पर थे और शरीर से दूर गेंद थी, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है और ऑन साइड की तरफ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। प्रदीप पाटिल ने मिड विकेट पर बहुत ही जबरदस्त कैच लिया। अब दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर और टप्पा काटने के बाद एक बार फिर गेंद अंदर की तरफ जरूर आई है। अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा, लेग बाई का इशारा करने के लिए तैयार है तो लेग बाई का इशारा। और जस्ट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, टिप ऑफ टाइम के बाहर है, गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की तरफ तो खेलना तो चाहते थे लेकिन गेंद बल्ली के ऊपर नहीं, इस तरह से खेलना चाहते थे। एक बार फिर देखिए टिप्पा, बहुत अच्छा टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। खेलेंगे या तीन बड़े शॉट खेलेंगे, क्लीन बोल्ड, 100 सोनार की 1 लोहार की, कृष्णा बैक टू द पैरल जाते हुए, वरुण कुमार ऑन मनी, ब्यूटीफुल बॉलिंग। अब जाकर देखे छठे विकेट का पतन। पीछे पीछे जो हमारे कैमरामैन है उनके लेफ्ट और राइट साइड पर कुछ दर्शक है, प्लीज की इस गेंदबाज के ऊपर। ये भी चले गए, खराब शॉट सिलेक्शन, राहुल जोगाड़िया रिवर्सिव करना चाहते थे। वरुण कुमार इस मैच में जान डाल रहे हैं, सुपर बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय वरुण कुमार। सुमित डे के लिए फिलहाल देखे तो बहुत ही जबरदस्त खेल अपने टीम के लिए करते हुए, शानदार तरीके से एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन यहाँ वरुण कुमार का। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, स्टंप के अंदर फिनिश करते हुए, क्या एक बार बहुत सटीक यार करता। सुमित डेकले देखे एक बार फिर बहुत खुश है, रोहन है नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ये भी गेंद बहुत अच्छी है, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, दिनू कांबली अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, अनिकेत सान्या बैक टू द पैवल जाते हुए, शानदार गेंदबाजी। वरुण कुमार का बॉलिंग एनालिसिस देखे, कमाल की गेंदबाजी करते हुए, दूसरा ओवर है, केवल 3 रन खर्च किए हैं और 3 रन मुकम्मल। ये दर्शक है, दिल बरसात नहीं होती उसी तरह से गंगाधर के बिना या वरुण कुमार के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। चले गए, अभी प्रेजेंट ही लगा के जा रहे हैं, दिनू कांबली बैक टू द पैवल जाते हुए, इससे पहले रन आउट था नहीं तो एक बार फिर हैट्रिक का मौका था। अभी पूरी तरह से अगर देखे तो जिस टीम के लिए समर्थन है शारिक 11 भोपाल, चारों ओर सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है, मैदान के अंदर जलवा जारी है खास करके गेंदबाजों का। दर्शक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ मैदान के अंदर आए थे लेकिन देखिए छोटा टोटल भी बड़ा बन जाता है, क्रिकेट में सब कुछ संभव है। 26-8 विकेट के नुकसान पर, रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते जा रहे थे, शॉट अच्छा नहीं था। देखिए एक बार फिर स्वीप करना चाहते थे और 2 गेंदे शेष इस ओवर की अगली गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेलते भाई, यहां मौका, शिकार आपके सामने था भाई, मौका था। अच्छी गेंदबाजी वरुण कुमार द्वारा, अभी तक 1.5 गेंदों में इन्होंने 4 रन दिए हैं, 4 शिकार किए हैं। ग्रैंड फिनाले का मैच आप देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी में। और एक यॉर्कर सटीक लाइन से,
सुंदर गेंदबाज का मुजाहिरा। मुझे याद है पालघर के गेंदबाजों ने 36 में से 29 गेंदें यॉर्कर डाली थी। आज अगर देखें तो आज भी वही कहानी है। 22 का इशारा मैदान के अंदर। ओवर की बात करें तो ये ओवर 5 ओवर का खेल था, उसमें 6